हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में दो तीन कंपनी है, तीन कंपनी से रिलेटेड हम रिजल्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। उसमें क्या आगे होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है कि अच्छे रिजल्ट पेश करने के बावजूद उन एक आध कंपनी में तो लोअर सर्किट लग गया है। क्या हमें उससे डरना चाहिए या फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज नए आए हो आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को बीट कर लीजिए, क्योंकि फौरन तौर पे आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। बाकी कल की डेट में हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ आप देख सकते हैं वाई इंडिया मार्ट इंटरमेशन स्टॉक फॉलिंग कंटिन्यूअसली। अगर देखें तो आज की डेट में गिरा था, उसके लेवल्स भी मैंने आपको बताया था, तो इसे देख लीजिएगा। एज वेल एज यहाँ पर और भी था कि अगर जिस खबर का था इंतजार वो शेयर के रिलेटेड, मतलब बाई अगर बात करें बोनस से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी। DFM फूड से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जो कि दो तीन दिन से लगातार भाग रहा है। और भी हमने काफ़ी वीडियो, हमने मोस्टली जो भी बनाई है हमें अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और अगर बात कर लेते हैं हम कुछ और चीज़ों से रिलेटेड। तो आप सबसे पहले देखिए सुवेन लाइफ साइंस, ये एक कंपनी है, सुवेन लाइफ साइंस ओके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नज़र आती है। यहाँ पर इसके रिजल्ट आते हुए नज़र आए हैं, तो और अगर हम देखते हैं इसके रिजल्ट तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये शेयर पे अगर बात करें काफ़ी दिनों से अच्छा खासा चलता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में ये NSE पे लिस्ट होता हुआ नज़र आया था, 145 रुपये पे ये शेयर था, और बात करें तो अभी 542 रुपये पे ये शेयर चलता आ रहा है, और एक महीने से तो अच्छी खासी रैली इसमें बनी हुई है। तो अगर हम इसके रिजल्ट अब देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर इन लैक्स में ये सारे रिजल्ट है। ओके हम फास्ट निपटाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इनकम, तो टोटल अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो यहाँ पर देख लीजिए ये इस बार के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, और ये बात करें तो Q4 के रिजल्ट है, बट ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है। ओके, और अगर हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की, टोटल इनकम की, तो यहाँ अभी जो 288 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर इनकम होती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें इससे पहले 313, और इससे पहले अगर बात करें Q4 की, तो 1165 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू होता हुआ हमें नज़र आया था। बट अगर बात करें यहाँ पर अभी तो क्वार्टरली और ईयरली वाइज दोनों यहां पर गिरावट हमें नजर आई है। ओके, और अगर हम यहां पर देखते हैं एक्सपेंसेस की, तो यहां पर आप देखिए एक्सपेंस भी होते हुए अच्छे खासे यहां पर नजर आया। अभी अगर बात करें तो इस क्वार्टर में 1134 लाख इन रुपीज, इससे पहले 1319, और उससे पहले Q4 की बात करें तो लास्ट ईयर के 1202 लाख इन रुपीज का यहां पर एक्सपेंस होता हुआ हमें नजर आया, जो कि ईयरली बेसिस पे कम है और क्वार्टरली बेसिस पे भी कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि यहां पर रेवेन्यू भी उसी हिसाब से होते हुए। बट रेवेन्यू के हिसाब से एक्सपेंसेस अगर हम मापे तो मेजरमेंट करें, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होना सही बात नहीं लगती। अब बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अगर हम देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर हम ये देखते हैं, तो 850 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर लॉस होता हुआ नज़र आया। इससे पहले 814 लाख इन रुपीज़ का लॉस था, और उससे पहले 256.35 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर लॉस होता हुआ। तो लॉस यहाँ पर देखिए तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है इस कंपनी में। तो हमें इस रिजल्ट देखने का, देखिए मकसद मोस्टली यही होता है कि हमें पता चल सके कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट से हमें पता चल जाता है। अब देखिए बहुत सारे शेयर भाग रहे हैं, और लोग ऊपर के लेवल पर काफी लोगों ने यहां पर लिया होगा, तो वो लोग फंसते हुए नजर आएंगे। बेसिक EPS की बात करें तो 0.67 माइनस में, उससे पहले 0.64 माइनस में था, इससे पहले 0.20 माइनस, मतलब EPS भी यहां पर रिजल्ट के से ही चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर बात करें यहां पर रिजल्ट इस कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर दूसरी ओर हम बात करते हैं मोरपन लैब, ये भी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हमें नज़र आती है। ओके, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस कंपनी की, तो इस कंपनी में मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगा। यहाँ पर पहले हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनके रिजल्ट्स हैं, जो कि इस बार के ही है, इन लैक्स ही है, छोटी छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है। तो यहाँ पर ये इस बार के रिजल्ट है, लास्ट क्वार्टर के, लास्ट Q4 के रिजल्ट है। बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर 26,410 लाख इन रुपीज़, इससे पहले 29,046, और इससे पहले 18,915। और अगर टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, तो 26,797, और उससे पहले 29,330, उससे पहले 19,87 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू
रेवेन्यू होता हुआ टोटल नज़र आया है। बट अगर बात करें ईयरली वाइज अच्छा खासा यहाँ पर जंप नज़र आया, बट क्वार्टरली वाइज थोड़ी बहुत गिरावट हमें नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, तो अगर हम टोटल एक्सपेंस की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी ने देखिए रिजल्ट तो अच्छे दिया और अपने एक्सपेंस पे भी यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर देखिए एक्सपेंस पे कंट्रोल किया है। तो इस तरीके के कंट्रोल करने से क्या होता है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट में यहाँ पर इजाफा नज़र आता है। बट यहाँ पर और भी कुछ चेंजेस है अगर हम यहाँ देखते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, अगर हम बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेड तो यहाँ पर देखिए 316.55 माइनस में, इससे पहले अगर बात करें 3437 माइनस में था और उससे पहले पॉजिटिव में ये चीज़ें दिखा रखी थी। तो ओके, इसका भी इफेक्ट यहाँ पर एक्सपेंस में नज़र आता है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें 24,283 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस है इस बार का। लास्ट क्वार्टर की बात करें 26,866.47 लैक्स इन रुपीज़, और इससे पहले की बात करें तो 18,139.45। तो एक्सपेंडिचर की अगर ईयरली बात करें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रेवेन्यू भी ज़्यादा हुआ है तो एक्सपेंस भी ज़्यादा, बट अगर क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेंसेस घटता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा NPAT की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर पीरियड, तो आफ्टर टैक्स तो अगर देख लेते हैं आप तो 2514 करोड़ रुपए का यहाँ पर 2514.26 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट होता है वो नज़र आया, जो कि क्वार्टरली वाइज भी बड़ा अच्छा खासा है और ईयरली वाइज बात करें तो लगभग 3 गुना हमें दिखाई देता है साफ। इसके अलावा EPS की बात कर लेते हैं, इस बार का EPS 0.56 है, इससे पहले 0.55 था, और बात करें इससे पहले 2.21 का EPS हमें नज़र आया। बट अगर हम इसका आज का परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये शेयर हमें देखिए लोअर सर्किट में, मतलब कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए तो लोअर सर्किट लग गया, और कंपनी ने बेकार रिजल्ट पेश किए तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो इस चीज़ को हमें देखना है। देखिए ये कंपनी मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्ट करने लायक है जिस तरीके से नेगेटिव परफॉर्मेंस देती आ रही है, और जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है तो अगर ये कल की डेट में देखिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके लोअर सर्किट ही लगता है कैसे, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये आपके सामने है। ओके, काफ़ी वॉलेटाइल है तो हर चीज़ सोच समझ के ही आपको डिसाइड करना है। बट रिजल्ट की बात करें ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छे खासे इसके रिजल्ट हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं DCM श्रीराम, तो देखिए ये एक जो कंपनी है ना ये 3-4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, फार्मास्यूटिकल अगर बात करें, एग्रोकेमिकल एज वेल एज अगर हम बात करते हैं ये कंपनी सीमेंट, यहाँ पर दो तीन बिजनेस ऐसे हैं जिन मिलके ये कंपनी बनी हुई है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसके रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ओके, 2-3 दिन बाद तब हम और ब्रीफ में बात करेंगे, बट अभी रिजल्ट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसके रिजल्ट देख लेते हैं इसके DCM श्रीराम के, तो एक मिनट रुक यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, एक में दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर स्टैंड अलोन, और ये इन करोड्स में यहाँ पर ये सारे फिगर दे रखे हैं, ये इस बार के रिजल्ट, ये लास्ट क्वार्टर, और ये लास्ट ईयर के Q4 के रिजल्ट। अगर रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑपरेशंस की बात करें तो देखिए सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन, अगर हम बात कर लें सीधे यहाँ पर टोटल इनकम की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2205 करोड़ रुपये का यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ इनकम होती हुई नज़र आई है, इससे पहले 2153 करोड़ रुपए का था, और इससे बाद पहले एक बात करें Q4 की तो 1916 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम हुई है, जो कि ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी यहाँ पर जंप नज़र आई है। और किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है कि क्वार्टरली भी अच्छा परफॉर्म करे और ईयरली भी परफॉर्म करे। और इसके अगेंस्ट में हम बात करते हैं एक्सपेंस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं 1894 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है इस बार, लास्ट क्वार्टर में 1818 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस था, इससे पहले की बात करें तो 1659 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ नज़र आया, जो कि ईयरली क्वार्टरली बेस बढ़ता हुआ नज़र आया। ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में यहाँ पर इजाफा ऑब्वियसली नज़र आता है इस वजह से। अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे 233 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ इस बार नजर आया, इससे पहले 251 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और अगर हम बात करते हैं यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट Q4 की तो 212 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट है। बात करते हैं यहां क्वार्टरली बेसिस पे यहां पर रेवेन्यू अच्छे थे, ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंस भी उसी हिसाब से खर्च हुए, तो यहां पर गिरावट कैसी, तो यहां पर गिरावट का मेन वजह यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ यहां पर डिफर टैक्स भी बढ़ता हुआ नजर आया एज वेल एज एक्सपेंस की बात करते हैं। ओके, प्रॉफिट
बिफोर टैक्स तो यहाँ पर भी ये माइनस में हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कुछ एक्सपेंस में भी यहाँ पर खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर आपको अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आ रहा है और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर ज़्यादा। तो अगर बात करें कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट मेरे हिसाब से तो पेश किए हैं, तो आपको ऐसी कंपनी में जहाँ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कंपनी, डाइवर्सिफाइड बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नज़र आए, तो ऐसी कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक ईपीएस की, तो अभी लगभग 14.95 रुपये का ईपीएस है। इससे पहले बात करें 16.14 रुपये का ईपीएस था, और बात करें लास्ट क्वार्टर लास्ट Q4 की, तो यहाँ पर 13.64 रुपये का ईपीएस हमें नज़र आता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इस बार के भी रिजल्ट ठीक ठाक है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे तो एटलीस्ट यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है जिस तरीके की ये कंपनी नज़र आती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी 2 रुपये का शेयर हुआ करता था, और इस बार तो पेंडामिक में गिरने के बाद ये कंपनी ने लगभग 4 गुना यहाँ पर रिजल्ट देते हुए नज़र आया। इससे रिलेटेड एक अलग फुल्ली वीडियो बनाया जाएगा, तब आपको इसके बारे में और हम बात करेंगे, तो देखते हैं।